आप कौन से वाली मर्सिडीज लोगे, सेडान क्लास लोगे या फिर स्पोर्ट्स या फिर एसयूवी क्लास? स्पोर्ट्स वाली जो वो आती है डिंगी सी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो क्या हाल चाल आपके, आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया। तो करते हैं भाई बहुत प्यारे से दिन की शुरुआत। और कमेंट करके, लास्ट ब्लॉग में आपने बताया नहीं कि कौन सी लैंग्वेज में आप ब्लॉग देखना चाहते हो, प्लीज़ जाओ जल्दी से और उस ब्लॉग में जाके देख के बताओ कि कौन सी लैंग्वेज आपको ज़्यादा पसंद है, उसी भाषा में ब्लॉग बनेगा। सो भाई करते हैं दिन की शुरुआत और चलते हैं बाहर, लेट्स गो। सो गाइस, सोनी सोनी सा डे है और धूप निकल रही है बाहर अच्छी खासी। बाहर निकलो तो गर्मी भी होगी भाई, तसल्ली वाली अच्छे वाली गर्मी होगी। और एक गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है, गाड़ी में प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई गाड़ी ना चू चू आवाज़ कर रही है, जैसा चूहा आवाज़ नहीं करता, ची ची ची। आपको भी आ रही होगी, ये देखो थोड़ी सी एक्सेलरेशन कम करता हूँ, ये देखो ये आवाज़ समझ में नहीं आ रही है किसकी। तो एक बार मैकेनिक को दिखानी पड़ेगी गाड़ी, कई दिनों से दिखाई नहीं है, तो ये भी खर्चा पानी मांगती है भाई अपना। सामने जा रही है भाई जिमनी, वाइट कलर की बहुत अच्छी गाड़ी लग रही है, मैं तो सोच रहा हूँ इसको ले लूँ, बट यार मेरे लिए मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ये रहेगी नहीं, छोटी गाड़ी रहेगी। तो देखते हैं कभी इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे तो सोचेंगे इसके बारे में भी। यार ये बस वाले ना ड्रामा करते हैं। सो वैसे उस गाड़ी का जो लुक है पीछे से अगर देखोगे तो बिल्कुल जी वैगन वाला फील आता है, अगर थोड़ी और बल्कि उस गाड़ी को बना देते तो डेफिनेटली जी वैगन वाला लुक था। बट स्ट्रेटेजी होती है हर एक कंपनी की, अलग मोनोपोली होती है कि मेरे को इसी तरीके की गाड़ी बनानी है, सो अकॉर्डिंगली गाड़ी बनाते हैं, अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं और मार्केट में जो चल रहा हो उसी को फॉलो करते हैं, मार्केट में जो लोगों की पसंद है उसी चीज़ को टारगेट करते हैं। हर एक कंपनी की बात है, कोई पर्टिकुलर मैं एक कंपनी की नहीं कह रहा, बट डेफिनेटली ये गाड़ी बहुत अच्छी थी, मैं इसको अपनी बकेट लिस्ट में ज़रूर डालता कि हाँ ये भी परचेज़ करनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को ये नहीं वो भाएगी क्योंकि मेरी हाइट जो है, जैसा मैंने आपको बताया मेरी हाइट है 5'11", सो उसके अकॉर्डिंग मेरे को जचेगी नहीं है, जचेगी मतलब मैं बैठ नहीं पाऊँगा इसमें ढंग से, मेरे को चाहिए पूरा स्पेस। भाई महिंद्रा की जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत स्पेशियस होती हैं, महिंद्रा की मैंने जैसे पहले टाटा की सफारी चलाई, अब मैं महिंद्रा की XUV500 चला रहा हूँ, बहुत अच्छी गाड़ी है, कंफर्ट भी बहुत अच्छा है और इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छी है, मतलब जिसको जो भी लेगा वो ऐसे परेशान नहीं होगा कि भाई इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है या फिर मार्केट में इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, ऐसी कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। इंडियन ब्रांड है तो इंडियन ब्रांड की हर एक चीज़ आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी हर जगह पर। सो इसी के लिए देखते हैं, और गाड़ी को कंसिडर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, बट अगर डेफिनेटली कहीं और आ जाती है, एक मेरे को बहुत अच्छी लग रही है महिंद्रा की जो थार 5 डोर में आ रही है, वो गाड़ी भाई अगर ढंग से आ गई, क्योंकि अगर उसने स्विफ्ट जैसा गेम खेला उसमें जो रेयर गेट खोलने के रेयर गेट ओपनिंग का जो है उसके डोर ओपनिंग का हैंडल जो है, अगर वो उसके जैसा दे दिया उसने, जैसा स्विफ्ट में दिया हुआ है अब नया ऊपर से, तो भाई वो बहुत ऑड लगेगा पीछे वाले बंदे को, आधों को तो अभी भी नहीं पता कि भाई वो खुलता कैसा है, क्योंकि नीचे का हम इंडियंस हैं, इंडियंस हम लोगों को पता है कि भाई ढंग से गाड़ी अगर रखनी है तो भाई वो एक ही जगह से कॉमन एक माइंडसेट हो जाता है कि गाड़ी यहाँ से खुलती है, उसका ढूंढना पड़ता है कि भाई कहाँ पर है। सो देखते हैं कौन सी, और एक XUV700 भाई नया अगर फेसलिफ्ट वेरिएंट इसका आ गया 2024 में, मेरे हिसाब से आना चाहिए क्योंकि अभी तक इसका ऐसा कुछ वो आया नहीं, सो उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अभी फ़िलहाल जो चल रही है टोयोटा की इनोवा हाइब्रिड जो आई है वो बहुत अच्छी लग रही है, तो उसको भी देख सकते हैं। भाई बस वाले बिल्कुल ऐसे साइड में से चिपका के लेके जाते हैं कि डर लगता है कभी साइड मिरर जो होता है ये तोड़ ना दें। तो भाई मैं अभी बात कर रहा था जी वैगन की, मर्सिडीज की जो गाड़ी है, सो मैं तो जस्ट बात ही कर रहा था और ये स्कूल में बता के आया कि मैम मेरे पास ना मर्सिडीज है, मैम इसकी बाहर आई हुई थी तो वो बता रही, कहती कि मेरे को डेली बोलता है कि मेरे पास ना मर्सिडीज है,
मैं आपको उसमें बिठाऊंगा। तो भाई ये देख लो, ये है वो ड्रामा। भाई कौन सी मर्सिडीज है भाई आपके पास? कहता ब्लू कलर की मर्सिडीज है मेरे पास। भाई इसके पास जो मर्सिडीज है ना, वो टॉय कार नहीं होती जिसमें टॉय बैठ के चलाते हैं बच्चे, वो वाली बैटरी वाली, बैटरी ऑपरेटेड जो होती है वो वाली है। और मैम को बता के हाँ मेरे पास मर्सिडीज है। तो भाई पिटवाएगा ये लड़का को किसी दिन हमें, बर्तन बिकवाएगा क्या भाई? वाह शरवा रहा, पहले नहीं शरवाया जब मैम को बता के आया। क्यों बता के आए, ऐसे थोड़ी होता। आपको कौन से वाली मर्सिडीज चाहिए बताओ पहले। चलो पहले बताओ ना कौन सी मर्सिडीज चाहिए आपको। कौन सी चाहिए? ब्लैक एंड ब्लू, ड्यूअल कलर में भाई से मर्सिडीज चाहिए। तो इसके पास जो है वो भी ड्यूअल कलर में ब्लैक एंड ब्लू जो टॉय है, मैंने आपको दिखाया ब्लू का, इसके ब्लॉग में देख लेना। स्टार्टिंग के ब्लॉग्स में इसको है, मैं एक बार सुंदरनगर से लेके गया था तो उसमें थी वो गाड़ी। तो वो वाली मर्सिडीज की बात कर रहा है, उसे धो के पोंछ के कपड़े से ऐसे क्लीन करके रखता है जैसे पता नहीं कितनी एक्सपेंसिव वो है भाई मर्सिडीज है, उस पर बैचिंग है तो इसको बहुत पसंद है। तो भाई इसके लिए तो इसकी वो वाली मर्सिडीज है, मतलब जो हमारे पास नहीं, हम महिंद्रा की चलाते हैं और ये स्टार्टिंग से ही मर्सिडीज चला रहा है। तो भाई गुड लक एंड माय गुड विशेस विद हिम ऑलवेज। तो एक दिन होगा भाई ये भी लेगा, डेफिनेटली लेगा, क्यों नहीं लेगा। आप कौन से वाली मर्सिडीज लोगे, सेडान क्लास लोगे या फिर स्पोर्ट्स या फिर एसयूवी क्लास? स्पोर्ट्स वाली जो वो आती है डिंगी सी, डिंगी वाली लोगे? डिंगी डिंगी अच्छी नहीं लगती, स्पोर्ट्स वाली लेना ना। अरे नहीं वो डिंगी वाली स्पोर्ट्स नहीं, जो जैसे पापा की है ये वाली एसयूवी क्लास वाली जो स्पोर्ट्स आती है वो वाली, ऐसी वाली लोगे ना, बड़ी 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 बल्की लुक वाली, या फिर वो छोटे वाली जो आपके टॉयज जो छोटे छोटे हॉट व्हील्स के जो जरा जरा से हैं वो वाले लोग हैं? कौन सी वाली लोग है? चुप करो, फसल हो गया, इसको समझ में नहीं आ रहा कौन सी लेनी है कौन सी नहीं, बट भाई डेफिनेटली लेगा। सो चलते हैं घर की तरफ। और घर जाओगे या कहीं और जाओगे? कहीं और कहाँ जाओगे? मस्ती जोन। परसों तो घुमा के लेके आया आपको मस्ती जोन, क्या करोगे वहां जाके? और आपकी मैम को तो आप बता के आए हो कि आपके पैरों में बहुत दर्द है, मुझे जाना है। तो जाना तो है, लेके तो चले जाएंगे, बट आपने तो बताया मैम को कि मेरे पैरों में बहुत दर्द है। था मैम को मैंने उल्लू बनाया था भाई। आजकल के बच्चे भाई स्टार्टिंग से इतने तेज हो गए हैं कि बस पूछो मत भाई। चलते हैं इसे, इसकी फरमाइश पूरी करते हैं पहले। सो हम लोग इसे लेके आ गए थे मॉल, इसे मस्ती जोन में जाना था, खेलना था, कूदना था, तो इसलिए हम इसे मॉल लेके आ गए। आप लोगों ने मस्ती जोन पहले देखा था इसलिए मैंने दोबारा दिखाना जरूरी नहीं समझा। अगर नहीं देखा तो भाई आई बटन में लिंक है उसका, जरूर जाके देख लेना वो वाला ब्लॉग, बहुत ही अच्छा बहुत ही शानदार है वो मस्ती जोन। और बच्चों के लिए तो भाई जन्नत है, जन्नत मतलब एक नंबर जगह है बच्चों के लिए। सो फिलहाल अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से जाएंगे सीधा घर और देखते हैं कुछ और, अगर रास्ते में कोई इसका सर का हमारे कहीं और मन किया कहीं कुछ करने का या जाने का तो अकॉर्डिंगली प्लान हमें चेंज करना पड़ेगा। सो लेट्स सी घर पहुँचते हैं या कहीं और जाते हैं वो आगे जाके पता चलेगा। तो भाई जैसा मैं आपको बता रहा था कि हम यहाँ से डायरेक्टली घर जाएंगे तो ऐसा होना तो नामुमकिन है, अगर ये हमारे साथ है तो हम डायरेक्टली घर नहीं जा सकते क्योंकि हमें टैक्स देना पड़ेगा ना भाई, रास्ते में तो टैक्स ज़रूर बनता, टोल टैक्स गवर्नमेंट लेती है और ये कार टैक्स लेता। कौन सी कार ली है आपने? नाम नहीं पता बट जीप है भाई, अब बजा रहा है उसे। ये इनको टॉय दिला दिया भाई, इनको टैक्स दे दिया और अब फिलहाल फाइनली हम लोग घर जा सकते हैं। अब हमारे पास परमिट है कि अब हम घर जाएंगे। तो फिलहाल टाइम हो गया, 4 बज गए और 4 बजे मोदी जी का भाषण था, मतलब वो आज नो कॉन्फिडेंस मोशन था तो उसके ऊपर लास्ट डे है, 10 तारीख है तो उस पर बोलना था मोदी जी को, तो वो भी सुनते हैं घर जाके कि क्या बोलते हैं और क्या
रिजल्ट निकलता है उनके नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का। 4 बजे था तो फिलहाल 4 बजने ही वाले हैं, 1 मिनट रहता है मेरा, कुछ मिस हो जाएगा बीच का स्टार्टिंग का, तो लेट्स सी जो भी होता है आपको आगे दिखाते हैं। तो चलते हैं घर। मैं आज ही एक अपनी फ्रेंड के वीडियो पे कमेंट कर रहा था कि बारिश नहीं हो रही भाई, बारिश करा दो, और भगवान जी ने भाई बारिश करा दी, सुन ली मेरी और झमाझम बारिश हो रही है, पानी भी भरने लगा, देखो अच्छी खासी बारिश होने लगी है। एंड और भाई बढ़िया मौसम हो गया, और भाई मोदी जी की स्पीच सुनने के बाद ना भाई सारे लोग वॉकआउट कर गए ऑपोजिशन वाले, और ऐसी खरी खरी खोटी सुनाई है दबा के, मतलब पानी नहीं मांगने दिया उन लोगों को। तो भाई जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, खैर सबकी अपनी अपनी अलग अलग वो है भाई, ज़बरदस्त था वो। तो अभी भी मोदी जी बोल रहे हैं, मैं उसी को सुनने लग रहा हूँ, तो दो और पूरा सुन लेते हैं क्या क्या कहते हैं। रोड्स देख के ऐसा लग रहा है बिल्कुल भी कि यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई है, बिल्कुल सूख जाती है रोड, इतना टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब बारिश नहीं होती थोड़े दिन तक तो बिल्कुल सूखा हुआ रोड मिलता है। रीज़न ये रहता है क्योंकि गर्म हो जाती है सारी ज़मीन और पानी अंदर सोख लेती है जो बारिश में पड़ता है, तो उसकी वजह से ऊपर सूखा सूखा नज़र आता है बिल्कुल। बट आज बहुत तेज़ बारिश, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, अभी हम ड्राइव पे निकले हैं और इसको ना एक गाड़ी की चुल मच गई, इसके पास एक ग्रीन कलर की कोई ऐसे ही मेटल कास्ट आयरन वाली नहीं होती, वो मेटल वाली, वो ग्रीन कलर की गाड़ी इसे याद आ गई, तो आज वो ब्लू कलर की लेके आया, वो टैक्स लिया, अब इसको वो ब्लू कलर ग्रीन वाली याद आ गई कि वो ग्रीन वाली भी है मेरे पास। तो अभी तो बहुत परेशान था कि मेरे को ड्राइव पे लेके चलो, और अब कहता मेरे को घर लेके चलो, मुझे नहीं ड्राइव पे जाना, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी। आज के बाद पक्का नहीं खाओगे क्या? तो देख लो इसकी ऐसी चल रहे हैं भाई, चल रहे हैं। तो भाई जहाँ बिल्कुल डिक्टेटर हुआ पड़ा, जहाँ कह दिया कि यहाँ से गाड़ी टर्न करो, उस टाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल अभी एट द मोमेंट वो गाड़ी आपको यू टर्न लेना पड़ेगा कि घर जाना है बस। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं भाई। सो फिलहाल चलते हैं थोड़ा सा एक राउंड लेके और घर निकलते हैं, क्योंकि ये शोर मचाता रहेगा गाड़ी में और जाने कहीं देगा नहीं फिर। सो घर चलते हैं फिर। सो भाई टाइम हो रहा है 10:30 और डिनर वगैरह सब कुछ कर लिया, सो ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ज़रूर। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।